पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल, सब मिलाकर किए गए 1000 से ज्यादा गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है तो मैं उनके कैरियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। दोस्तों, गेंद इस तरह उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि उनके अगेंस्ट खेल रहे खिलाड़ियों को अक्सर शक होता था कि वह किसी स्पेशल स्टिक से खेल रहे हैं। यहां तक कि एक बार हॉलैंड में खेलते समय उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के शक की वजह से उनकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया था। ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन तक को अपने खेल का दीवाना बना दिया था। बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए ओलंपिक फाइनल की, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा रहा, लेकिन भारत 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब रहा था। उसके बाद सेकेंड हाफ के खेल से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को जरूरत से ज्यादा गीला करवा दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय टीम को दौड़ने और गोल करने में प्रॉब्लम हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके, जिससे वह अच्छी तरह दौड़ सकते थे। उसके बाद वो और उनकी टीम ने एक के बाद एक कुल 7 और गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से बौखलाकर तानाशाह हिटलर खेल के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। अगले दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद ने जूते फटे हुए पहन रखे थे। हिटलर ने उनके जूतों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एक अच्छी नौकरी की लालच दी और जर्मनी की टीम से खेलने के लिए कहा। लेकिन इस भारत के सच्चे देशभक्त ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे दिग्गजों ने ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वह क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप भी जान गए होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। चलिए अब शुरू से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी, हाँ लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका इंटरेस्ट हॉकी में बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वो चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए।
जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजलस समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई, भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले मारा था। वह 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और फिर वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी वह आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि वह शायद अब किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हॉकी के इस महान खिलाड़ी के आखिरी के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। भारत को हॉकी के खेल में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने वाले इस खिलाड़ी को देश भूल गया। उन्हें लीवर की कैंसर थी और पैसे की कमी की वजह से उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को आज भी हॉकी प्रेमी भगवान की तरह पूजते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।